कैंपस के अंदर आना कैसे है, कैंपस के अंदर आने के बाद हॉस्टल के अंदर जाने का प्रोसीजर क्या है, टीममेट्स मतलब हमारे ग्रुप मेट्स, हमारे रूम मेट्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे बैच मेट्स, हमारे फैकल्टीज, हमारे टीचर्स वगैरह वगैरह सभी का बिहेवियर कैसा है, हमारे प्रॉक्टर्स एंड हमारे क्लब्स, हमारे स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ें एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में हमने यहाँ तक कवर कर रखी हैं। तो यारों अभी तक एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 दोनों नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, जाकर उनको देख कर आओ। इस वीडियो में हम स्पेशली डे बॉर्डर्स को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। 0.1 से मतलब बात तो सभी के लिए बराबर होती है, पर 0.1% से बोलो 1% से अपन डे बॉर्डर्स की बात थोड़ी सी ज़्यादा करने वाले हैं। और मेनली इस वीडियो में अपन ये जानेंगे हमारे प्रॉक्टर्स और हमारे क्लासमेट्स क्या कंप्लीट 4 ईयर के लिए हमारे सेम होते हैं, प्रॉक्टर हों या फिर हमारे फैकल्टी हों या फिर आपके क्लासमेट्स हों, क्या कंप्लीट 4 ईयर के लिए आपके साथ सेम रहेंगे। और डे वॉर्डर्स की कहानी कि बेचारे सुबह से 6 बजे से उठकर तैयार होना, जिससे लेकर 8:30 की क्लासेस तक इतने जल्दी जल्दी पता नहीं कैसे कैसे पहुंचते हैं कैंपस में, और उसके बाद उनका लंच, उन्हें मतलब उनके डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चार्ज कहाँ करना है उन्हें, और उन्हें यदि घर से लंच लाएँ, टिफिन लाएँ तो वो उन कहाँ पर बैठ कर वो लंच वगैरह कर सकते हैं, और क्या वो हॉस्टल के अंदर जाकर हम लोगों के साथ मतलब हॉस्टलर्स के साथ जाकर हॉस्टल का लंच कर सकते हैं, और साथ में हम डे बॉर्डर के साथ हमारी पहचान कैसे बना सकते हैं, हमारे लिए डे बॉर्डर्स की पहचान हमारे लिए कितने ज़रूरी है, इसकी भी इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ सीनियर के साथ हमारा कैसे हम बिहेवियर रखें, कैसे हमारा एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके चले हमारे सीनियर्स के साथ, तो इन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वेट क्यों करें, चलो चलते हैं कैंपस लाइफ के वीडियो में आगे। हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रॉक्टर्स, हमारे टीचर्स और हमारे क्लासमेट्स, हमारे 4 सालों में मतलब हमारे साथ 4 साल तक सेम रहेंगे या नहीं, प्रॉक्टर चेंज होंगे, फैकल्टी चेंज होंगे या क्लासमेट्स चेंज होते हैं या नहीं, तो इन सभी के लिए आंसर है यस। आपके प्रॉक्टर्स भी चेंज होते हैं, आपके फैकल्टीज तो आप खुद चेंज करते हैं, और आपके क्लासमेट्स वो रैंडमली चेंज हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं थोड़ा सा और जानते हैं। देखो भैया, रही बात प्रॉक्टर की, तो प्रॉक्टर का तो मुझे भी नहीं पता मेरे प्रॉक्टर कैसे श्रीधर एस से कैसे तृप्ति शर्मा हो गई, और कैसे तृप्ति शर्मा से और आगे एक और चेंज हो गई, यार पता ही नहीं चलता है क्या करते हैं लोग, कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्टर का तो अपन नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ आपको फैकल्टीज़ का। फैकल्टीज़ का आपका सिंपल सा आंसर है FFCS। आपके FFCS में जो फैकल्टी आप इस अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उन्हीं को परमानेंटली लेकर चलना है कि नहीं। यदि वो सब्जेक्ट आपके आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना है, मतलब आपको आने वाले सेमेस्टर में भी सेम सब्जेक्ट है तो, या फिर अलग सब्जेक्ट में फैकल्टी सेम है तो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्लासमेट्स, यदि आपके फ्रेंड्स आपके साथ FFCS आपकी फैकल्टी के सेम मतलब सेम सेम चॉइसेस के साथ करते हैं, तो क्लासमेट्स भी सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यह है इसका सिंपल सा फंडा, राइट। नाउ डे बॉर्डर्स, हमारा क्या सीन है भैया, हमें तो थोड़ा बता दो क्या करना है हमें। एक तो सुबह से आएंगे लंच भूखे प्यासे, एक हॉस्टल भी जाने की परमिशन है नहीं, पता नहीं हमारे मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज, तो हम चार्ज कहाँ करेंगे, हम बैठेंगे कहाँ, टाइम स्पेंड कहाँ पर करेंगे, ये सब भी चीज़ हमें नहीं पता है, बताओ प्लीज़। लो जानो भाइयों, बता रहा हूँ, सबसे पहले आप आओ कैंपस के अंदर। अब आपको सबसे पहले बात करते हैं आपकी डिवाइसेस चार्ज वगैरह करना है, तो आपकी डिवाइसेस चार्ज वगैरह करने की तो ज़्यादातर ज़रूरत किसी को नहीं होती है, यदि ज़रूरत होती है पावर बैंक ला लिया करो, और यदि वो कैंपस के अंदर जाना है चार्ज करने के लिए तो ऐसी क्लासेस ढूंढ लो, मतलब यदि आपकी क्लासेस है तो वहीं पर, या फिर आपके स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं वहाँ पर तो आप वहाँ पर चार्ज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आप किसी और क्लास में जाएंगे नहीं ना कि आपको आपका फ़ोन चार्ज करना है, यदि आपकी क्लास में है बोर्ड तो कर लो चार्ज, और उसके अलावा बाहर साइड तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे पावर बैंक ला लिया करो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अब बात करते हैं लंच, लंच का क्या सीन है, कहाँ बैठ कर लंच करें फ्रेंड्स के साथ। तो लंच यदि आप टिफिन बॉक्स घर से लाते हैं पैक करके, तब गार्डन में बैठकर आराम से लंच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों का अपने दोस्तों को बुलाओ, उनके साथ बैठ कर लंच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। हॉस्टल में जाने की बात करते हैं, ये डे बॉर्डर्स हैं, हॉस्टल के अंदर हॉस्टल का खाना खा सकते हैं या नहीं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर आपके आई कार्ड्स, आपको बिना आई कार्ड्स के हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। यदि आप मैस मतलब आप जा रहे हैं ना, तो आजकल फेस डिटेक्टर लग चुके हैं, तो ज़्यादातर वहाँ से आपको स्कैन करके ही अंदर जाना होता है। यदि आपके फ्रेंड्स आपको किसी तरह लेकर भी जा सकते हैं अंदर, तो पॉसिबल है,
यदि आपके फ्रेंड रिस्क लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये परमिशन नहीं है, क्योंकि आपकी आई कार्ड ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है ना। आपका डार्क ब्लू होगा, हम लोगों का लाइट ब्लू होता है, तो ये नहीं होता है, मान के चलो नहीं होता है। घर से ला लिया करो, या फिर यहाँ पर आपके अंडरबेली वगैरह हैं, आपके मिनी मार्ट वगैरह हैं, राइट, तो वहाँ से ले लो और खाओ। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ा संभाल कर, राइट, हिसाब से करना, मतलब काम चलाओ। हॉस्टलर्स, अब अपनी काम की बात सुन लो थोड़ी। अब भैया अपन तो हैं हॉस्टलर्स, अब हमारे पास वो फ्रीडम तो नहीं है कि हम जब चाहे कैंपस के बाहर जा सकते हैं, जब चाहे कैंपस के अंदर आ सकते हैं। हमें कुछ सामान लेना है, स्टेशनरी का हो या फिर कुछ भी नॉर्मल डेली यूज़ का हो, ये सभी सामान हमें लेना है तो कैंपस के अंदर अवेलेबल ढेर सारी चीज़ें, फिर क्यों इतना क्यों टेंशन दे रहे हो। अरे सुन लो भाई, इसीलिए दे रहा हूँ, टेंशन नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ काम की बात, ठीक है। तो क्या है ना, कैंपस के अंदर चीज़ें हैं थोड़ी कॉस्टली, और कैंपस के गेट के बाहर भी कुछ दुकानें हैं, और हम गेट के बाहर कदम रख नहीं सकते, हमें लक्ष्मण रेखा के अंदर, ठीक है। तो डे बॉर्डर से पहचान बनाओ, ताकि आपके दोस्ती तो अपनी जगह पर है ही, ठीक है, ताकि आप आपके सामान के साथ कोई आपको कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना पड़े। मतलब आप कैंपस के अंदर से कुछ चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं फिर अवेलेबल नहीं है, तो आप डे बॉर्डर्स की अपनी पहचान है, तो आपको अच्छे खासे सेम प्राइस में आपको ला कर दे देगा आपका फ्रेंड, और आपसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगा, और आपको चीज़ें लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो कुछ सामान है जो आपको घर नहीं ले जाना है, आपको फ्रेंड के यहाँ रखना है, हॉस्टल में रखना है, अलाउ नहीं है, या फिर आप रख नहीं सकते, तो आप आपके फ्रेंड को दे दो, आपके वो आपके रूम वो अपने रूम ले जा लेगा आपका सामान, वहाँ रख लेगा, जब आप वापस आएंगे तो वो आपके रूम वो अपने रूम से आपके लिए ला कर दे देगा। इतना सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाता है, यदि आपको यदि आप आपके फ्रेंड्स मतलब आप आपकी फ्रेंडशिप डे बॉर्डर्स के साथ भी रखते हैं तो, ठीक है। अब उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करना है, तो क्लासमेट्स क्लासमेट में तो कोई ना कोई तो होंगे ही आपके डे बॉर्डर्स, तो सबसे हाय हेलो बोलो, सबसे अपना परिचय बनाओ, सब सबसे इंट्रोड्यूस रहो, और जो भी डे बॉर्डर्स मिल गया बस उनसे चिपक जाओ। मतलब अच्छी पहचान उनसे उनसे भी रखो, सबसे रखो, डे बॉर्डर्स हैं तो आपके लिए थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है ये तो आप जानते ही हैं ना, अब पूरी स्कूल लाइफ आप वो जी कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेम वही है तो इंसान ही है कि नहीं, बस उनसे बातचीत करो, पहचान बन जाती है और फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट राइट। अब मेन बात, सीनियर्स, सीनियर्स के साथ हमारी अच्छी पहचान कैसे बना के रखें, हम सीनियर्स के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा से कैसे मेंटेन करके चले। तो सिंपल सा फंडा है, आपका बिहेवियर अच्छा रखो, सामने वाला बंदा भी आपको आपको आपके सामने अच्छे से ही बिहेव करेगा, आप कामली उनके सामने पेश आओ, सामने वाला भी आपके साथ अच्छे से ही पेश आएगा, ठीक है। और बस ये गलती मत करना कि एक ही चीज़ बार बार एक ही सीनियर से, फिर एक ही किसी भी स्टूडेंट से बार बार मत दोहराया करो, और अच्छे से, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एकदम क्लोज होने का ट्राई ना करना, ठीक है, एकदम क्लोज होने का ट्राई मत करना, जूनियर्स की तरह ही रहना। और हम जब आए थे तो हम भी जूनियर्स की तरह ही थे हमारे सीनियर्स के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपके सामने से हेल्प करते हैं यदि आप बोलते हो तो, और ज़्यादा कोई तो फिर चाहिए ही नहीं, हमें हेल्प चाहिए अच्छी और बस। और जो आपके रूम में आके डराए ना आपको, यार ये यहाँ पर ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, तो किसी की बातों में मत आना, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। और स्टार्टिंग में कुछ कुछ होते हैं, ज़्यादातर तो होते ही नहीं है, पर कुछ कुछ हो जाते हैं कि आपके रूम में आकर वो डराने लगते हैं कभी थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेकर, तो उनको अवॉइड करना, इग्नोर करना, कोई कुछ बात नहीं है, राइट। और सबके साथ अच्छा बिहेवियर बना के चलना, सीनियर्स हों या आपके बैचमेट्स हों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में अपन ने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हुए, हेल्पफुल साबित हुए। और अब इस एपिसोड 3 के साथ अपन इस सीरीज़ का भी एंड करते हैं, और काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पर कवर करके रखा ही है, पर अभी भी आपको लगता है कि कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, यदि वो आपके लिए जाना ज़रूरी होंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो एक अगला एपिसोड 4 में सिर्फ आपके लिए आपके कमेंट्स के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ तक मैं अपनी तरफ से इस एपिसोड 3 तक इस सीरीज़ को एंड मानता हूँ, और अब हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं कैंपस के अंदर अपने, मतलब अपने कॉलेज पहुँचने वाले हैं, तो अब आपको इंटरेस्टिंग टूर वीडियोस, व्लॉगिंग टाइप की वीडियोस इस चैनल में ज़्यादा देखने मिलने वाली हैं। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अभी जब तक आप घर पे हो तब तक मैं कैंपस में आपको टूर करवाता रहूँगा यदि मेरे पास टाइम मतलब रहेगा तो। और बस चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को यदि यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करके जाओ,
और कमेंट में बताओ आपको कुछ जानना हो या फिर ये बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।